देश भर में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के कीमतों में आग लग गई है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों पर 13 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 78.18 रुपए हो गई है। वहीं डीजल 14 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही 60.61 रुपए पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के पीछे क्या है वजह। लगातार रुपए का गिरता स्तर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें प्रमुख कारण हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल की असल कीमत 38 रुपए है, लेकिन जब इसमें टैक्स लगते हैं तो इसकी कीमत 78 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। अब आपको बताते हैं सरकार पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगाती है। पेट्रोल की कीमत असल कीमत है 37.93 रुपए, जिसके ऊपर केंद्र सरकार 19.48 रुपए टैक्स लगाती है और राज्य सरकार 16.47 रुपए तक टैक्स लगाती है। केंद्र और राज्य दोनों का कुल टैक्स 35.95 होता है, यानी कि अब आपके पेट्रोल की कीमत सीधे तौर पर 73.88 रुपए हो जाती है, जिसके बाद 3.61 रुपए डीलर का कमीशन लगता है। अब आपको जो पेट्रोल दिया जाता है उसकी कीमत 77.49 रुपए हो जाती है। डीजल की कीमत असल कीमत है 41.04 रुपए, जिसके ऊपर केंद्र सरकार 15.33 रुपए टैक्स लगाती है और राज्य सरकार 10.16 रुपए तक टैक्स लगाती है। केंद्र और राज्य दोनों का कुल टैक्स 25.49 होता है, यानी कि अब आपके डीजल की कीमत सीधे तौर पर 66.33 रुपए हो जाती है, जिसके बाद 2.51 रुपए डीलर का कमीशन होता है। अब आपको जो डीजल दिया जाता है उसकी कीमत 69.04 रुपए हो जाती है। नेशन वन से सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।